जनसुराज अभियान के बारे में जब मैं बोल रहा था तो पिछले दो साल में बिहार की धरती पर इतिहास लिखा जा चुका है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। वो अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये लाजमी है, जो चूँकि इसकी नीयत साफ है और सच के साथ लंबा प्रोसेस है, बोल के दो साल पार्टी बनाने में लगा है। और जनसुराज अभियान का एक और मकसद जो है, सबसे बड़ा मकसद जो है, न्यू लीडरशिप डेवलप करना, यंग जनरेशन को लीडरशिप डेवलप करना। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा डेमोक्रेसी खाली 75 ईयर्स ओल्ड है, तो ये बच्चा ही है, अभी यंग भी नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी को देखेंगे तो हमारा डेमोक्रेसी अभी बच्चा है। एक सवाल ये है कि आप लोग भी जुड़े होंगे, कुछ सोचे होंगे, कुछ समझे होंगे, आखिर माइंड में कुछ आया होगा। एक ही है, जनसुराज अभियान का जो मिशन है, अगले 10 साल में बिहार को हमको टॉप 10 स्टेट में लाना है, उसके लिए छोटा मोटा परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। सिग्निफिकेंट माने आमूल चूल परिवर्तन करना है, और उस सोच के साथ मैं जुड़ा हूँ। मैं बगल में समस्तीपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं रहता हूँ ओमान में, वहाँ पर मैं खुद का कंपनी चलाता हूँ। तो इसका मिशन जो है ना, खाली मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, समाज में जब तक टाइम नहीं दोगे तो आप नेता नहीं बन सकते। जनसुराज कोई नहीं बनाता, लेकिन सपोर्ट सरकार, मैं ओमान से आ रहा हूँ, मैं ओमान से आया हूँ, और जनसुराज को सपोर्ट कर, जनसुराज में जैसे ओवरसीज का विंग हम लोग खोले हैं, तो जनसुराज ओवरसीज JSO बोलते हैं हम लोग, जनसुराज ओवरसीज, तो उसका मैं ओमान चैप्टर लीड करता हूं। वहां पे कम से कम 150 मेंबर अभी हैं, आगे उसको फैलाने का भी इरादा है। तो आगे का रणनीति यही है, जो एक जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, उसमें जनसुराज पार्टी जब कल बन जाएगी तो पार्टी इलेक्शन डेफिनेटली लड़ेगी, 243 सीट पे लड़ेगी, तो वहाँ भी हम लोगों को जो कंधा लगाना है, कंधा ही लगा रहे हैं। दो साल से सोशल मीडिया के थ्रू ही जनसुराज को सपोर्ट कर रहे हैं, कल चूँकि पार्टी बन रही आए हैं, तो आगे जो भी करना पड़ेगा, पार्टी का कैंडिडेट कैसे जीते, उसमें भी अपना तन भी लगाएंगे, मन तो लगा हुआ है, तन भी लगाएंगे। आप सर कहाँ से आए? मैं कुवैत से आया हूँ, अब कुवैत चैप्टर को लीड करता हूँ। मैं भी बिहार से हूँ, औरंगाबाद से। जनसुराज में जुड़ने का वाहिद एक ही वजह थी, एजुकेशन अपलिफ्टमेंट ऑफ बिहार और प्लान को रोकना, जो कि यूट्यूब में डिफरेंट मीडिया में मैं जब देखता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि PK एक पढ़े लिखे इंसान है, और स्ट्रैटेजिकली जो है ना, वैसे तो बहुत सारे गवर्नमेंट को उन्होंने जिताया है, तो उनके स्ट्रैटेजी जो है ना बिहार के लिए, अपने स्टेट के लिए, ऑफकोर्स जो है ना बहुत ही ऊपर होगी। और मुझे बचपन से जो है ऐसे लोग की तलाश थी, जो कि बिहार के एक्चुअली जो है ना हालत को जो है ना सुधारे, और वो वही सुधार सकता है जो पढ़ा लिखा है और जो है सेल्फलेस है, यानी अपने लिए नहीं सोचता है, दूसरों के लिए त्याग देता है। ये सारी खूबियाँ मैंने स्पेशली PK में देखा है। सर, BJP भी है, RJD भी, बहुत सारी पार्टी बिहार में जो काम कर रही है, उससे डिफरेंट क्या नज़र आ रहा है? इस पार्टी में मुझे एक विजन लग रहा है। दूसरी बात, इस पार्टी में एक ऐसे वर्कर का या ऐसे लोगों का चयन होगा जो कि हर एतबार से साफ़ सुथरे होंगे। मतलब उनको जो है ना लोह जो है ना पैसे का होगा ना पोजीशन का होगा, और ये डिक्लेयर किया गया भी, यह मुझे डिक्लेयर किया। आज की बात मैं ये कह रहा हूँ, जब R.K. मिश्रा जी बात कर रहे थे और एम्ब्लेम की चेंज की बात, तो मैं वैसे सेफोलॉजिस्ट हूँ, मैंने पिछले कई पोल को जो है मैं प्रेडिक्ट किया है, और डॉक्टर हैं सर, मैं फाइनेंस एनालिस्ट हूँ, तो ये हमारा एनालिटिकल स्किल है। तो पोल जब हुए हैं 2015 से लेके और दिगर, या स्टेट लेवल के और स्टेट असेंबली लेवल के, मेरे प्रिडिक्शंस जो है ना हमेशा सटीक रहे। जो लास्ट पोल हुआ था, जो हमारे PK साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, आई वेंट रॉन्ग हियर, मेरे पोल जो थे, आई सेड 275 to 285 NDA, एंड दैट वाज द थिंग। सो
सेफोलॉजिस्ट होने के नाते, और 2015 का जो पोल था 99.9% जो है ना एक्यूरेट था। तो सर इसमें जब आप लोग जुड़े हैं तो एक होता है कि ना कि मुझे जो काम करना है किसी पोस्ट पर आगे काम करना है या एज अ वर्कर काम करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरी जो सोच है, अपनी पर्सनल सोच है। मैं जैसे ही 5 दिन की मैं छुट्टी मिल आया, मैं अपने गाँव पर गया और वहाँ बच्चों जो है ना जो स्कूल नहीं जा सकते हैं, गवर्नमेंट स्कूल का वो हाल है कि बच्चे क्लास 6-7 में ABCD कैपिटल स्मॉल भी नहीं जानते, ये हाल है। अब सोचिए स्टैंडर्ड 5 का अगर एजुकेशनल स्तर ये होगा कि बहुत बढ़िया बिहार बहुत बढ़िया है। तो मैंने निर्णय लिया अपने लिए और मेरे मिसेस जो है ना कि नहीं, इनको जो है खास करके जो बड़ा ही बेसिक जो है ना सब्जेक्ट्स है जिसमें मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, इसको हम लोग पर्सनली जो है ना टेकअप करेंगे। और मैं जमावड़ा नहीं चाहता हूँ इस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जितने लोग जुड़ेंगे उतने तमाशे होंगे। तो मैंने बोल किया है कि मैं आप लोगों की ज़रूरत नहीं, आप लोग सिर्फ सहायता दें, आप थोड़ा इनक्रेज करें इन बच्चों को जिस हद तक। तो एजुकेशन हमारा, मेरे 4 बच्चे हैं, दे आर ऑल प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और उनके लिए अपना रास्ता है और मुझे जो है ना छोड़ दिया गया है। मैं एक और बात कहता हूँ, अगर ऐसी सोच आपकी अगर रहती है तो यकीन करें आपका बुढ़ापा भी जो है ना बहुत अच्छी तरह से, जो आजकल हो रहा है ख़ास करके ओल्ड एज होम्स, ये बच्चे जो है ना आपके गांव में जो है ना ओल्ड एज होम में जाने नहीं देंगे, ये बच्चे खुद आपका जो है ना परिवार होगा जो आपको बुढ़ापे में सहायता देगा, वो आपको माता पिता जैसा जो है ना उनकी जो है ना सोच होगी आपके प्रति। एग्जैक्टली, सो ये सारी चीज़ें थी जो कि मुझे इंस्पायर किया इस संस्था से। इस जिला से मैं हूँ, और जब मैं पैदा हुआ तो गया डिस्ट्रिक्ट था, अभी आज औरंगाबाद। नाम क्या सर? मेरा नाम अब्दुल रहमान है, कभी कभी प्यार से अपने नाम को ये AR रहमान बोल देते हैं। थैंक यू सर।